बड़ी मजे की बात है, जो अंगूठा है ना उसको कभी अंगूठी नहीं मिलती है। अंगूठा की पत्नी कौन होती है? अंगूठी रहती किसके साथ है? पड़ोसियों के साथ, ध्यान रखना। ये चार अंगड़ियां अंगूठी पहनती है, अंगूठा अंगूठे ही रह जाता है बेचारा। नहीं, कई लोग जबरदस्ती पहनते हैं, वो ढोलक बजाते हैं, ध्यान रखना। ढोलक में तो यहाँ पहना जाता है ना। नहीं, मुझे बजाना नहीं आती है, तुम्हें अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से बजाता है बेटा। तुम ढोलक बजाते हो, मैं समाज बजाता हूँ, ध्यान रखिए। विचार करिए, श्रृंगार जो होता है वो इन उंगलियों का होता है, अंगूठे का श्रृंगार नहीं होता है, ध्यान रखना। अंगूठा तो ऐसे ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो थोड़ा अकड़ के साइड साइड में चलता है, ध्यान रखना। ये चार तो आपस में मिल जाती, ये यहाँ नहीं जाना चाहता, वो साइड में भागता है, कट के भागता है, वो अकड़ में जीता है। एक बार उंगलियों में चर्चा चल रही थी, सबसे अच्छी उंगली, सबसे महान कौन है? अंगूठे ने कहा, चलो हटो, कोई महान आहान नहीं हो, मेरी वजह से तुम सुहागिन हो, ध्यान रखना। यदि ये ना होगा तो इनको अंगूठियां कौन पहनाएगा? बोले, मेरी वजह से। चारों उंगली ने कहा, ज्यादा मत अकड़, कोई तेरी वजह से नहीं है, तू नहीं होगा तो भी अंगूठी हमारी हाथ में आएगी, ध्यान रखना। अंगूठे ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, मैं हूं तो दुनिया है। बोले, क्यों? यदि मैं नहीं होऊंगा तो रजिस्ट्री किसी के नाम हो ही नहीं सकती है, ये जमीन जायदाद किसी को नहीं मिल सकती है, मेरे लगने से करोड़ों का मकान किसी और का हो जाया करता है, ध्यान रखिए। मैं सबसे महान हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हुआ करता है, यदि मैं ना रहूं तो कोई धनुर्धारी नहीं हो सकता है, और मैं ना रहूं तो तुम चार मिलके कोई सामान उठाना, जरा घर में जाके एक गिलास उठाना, अंगूठा हटाओ तो कैसे उठाओगे गिलास को? वो उठ ही नहीं सकता है, अंगूठे की बड़ी ताकत हुआ करती है, इसके बिना कोई कीमती सामान नहीं उठता है। अंगूठे ने कहा, मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसके बाजू वाली तर्जनी ने कहा, ज्यादा मत बोल रहे अंगूठे। बोले, क्यों? बोले, मैं जिस पे उठ गई तो तुझे कटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, ध्यान रखना। मैं तो दूसरों पर मैं उठा करती हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हुआ करता है, मैं तर्जनी उंगली हूँ, मेरा भी बहुत, यदि मैं ना रही तो अंगूठा तू उठा के बता सामान, ध्यान रखना। अंगूठा बेचारा चुप हो गया। अब बाजू में बैठी बड़ी रानी पटरानी बड़ी उंगली बोली, मैं काहे को चुप रहने वाली हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं हुआ करता है, पांचों उंगलियों में देखो मैं कैसा ताज पहन करके ऊपर खड़ी हुई हूँ, मुझसे बड़ा दुनिया में। ये आई फिर बाजू की अनामिका, बोले, ज्यादा ज्ञान की बातें मत करो, मेरे बिना किसी का तिलक नहीं हुआ करता है, मेरे बिना किसी का सम्मान नहीं हुआ करता है, मैं हर शुभ कार्य में आगे रहती हूँ, मेरे जैसा जीवन कोई नहीं पा सकता है। चारों उंगलियां अपनी वार्ता कर रही थी। अब छोटी भाई आई, सबसे छोटी कनिष्ठा, उसने कहा, देखो मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, भोली भाली हूँ, छोटी सी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ मैं सबसे ज़्यादा महान अपने को समझती हूँ, मैं मानती नहीं हूँ लेकिन समझती हूँ, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा पुण्यशाली सौभाग्यशाली समझती हूँ। चारों ने कहा, क्यों री इतनी छोटी ज़्यादा बकबक कर रही है क्या, तू कैसे सौभाग्यशाली हो गई? बोले, इसलिए हो गई कि जब भी लोग गुरु के पास जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर को जाते हैं, और जब हाथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले मैं आगे खड़ी रहती हूं, मैं विनम्र रहती हूं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्रणाम करने में सबसे आगे कौन खड़ी है? विचार करिए, सबसे आगे मैं खड़ी हूं ना, मैं नमस्कार की मुद्रा में हूं, मैं हमेशा झुक कर जीती हूं, इसलिए बड़ी लाडली हुआ करती हूं, छोटी हूं, काम कुछ नहीं करती लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया करती हूं, ध्यान रखना। उंगली छोटी है, बड़ा प्यार पाती है सबका, छोटी सी है ना, ज़्यादा काम नहीं करवाते उससे, वो तो थोड़ा बहुत हाथ लगा दे तो लगा दे, ध्यान रखना, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे बनो, छोटे बनने में जीवन में बहुत कुछ मिला करता है, ज़्यादा बड़े मत बनो, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहें लाख हमारा मोल, ध्यान रखना। मालूम है ना, जो हल्के बर्तन होते हैं उनमें आवाज़ ज़्यादा होती है, भरे हुए बर्तन आवाज़ नहीं किया करते हैं। जो नदी नाले होते हैं ना, बरसात में उछलने लगते हैं, इनकी औकात चार दिन की है, ध्यान रखना। जो समुंदर होता है ना, वो कभी आपे से बाहर नहीं जाया करता है, ध्यान रखना, वो अपनी सीमा से सीमा में रहा करता है। एक बात याद रखना, जो हल्के होते हैं वो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, जो भारी होते हैं वो चुप रहते हैं, जिनकी कीमत कम होती है वो ज़्यादा चिल्लाते हैं, और जिनकी कीमत ज़्यादा होती है वो शांत रहते हैं। कभी विचार करना, सिक्के आवाज़ करते हैं, नोट चुपचाप रहा करते हैं, ध्यान रखना। सिक्कों में खनखनाहट होती है, और 2000 का नोट, लाखों रुपये भी रखो तो आवाज़ नहीं आती है, कहाँ से कहाँ चला जाता है,
है पता ही नहीं चलता है, लेकिन सिक्के बड़े आवाज करते हैं, ध्यान रखना। जो खानदानी अमीर होते हैं ना वो झुक करके रहते हैं, और जो चार दिन में अमीर बन जाते हैं वो ज्यादा उछला करते हैं, ध्यान रखना। वो ऐसा सोचते कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई और है। ये जितना बड़कपन दिखाओगे ना उतना हल्कापन प्रदर्शित होते चला जाता है। अमीर तो अमीर हुआ करते, दिल से अमीर मान्य। एक बार अयोध्या में श्री राम का दरबार लगा था, दरबार लगा है, राम सीता सहित विराजमान है, लक्ष्मण साइड में खड़े हैं, हनुमान पधारे, और जैसे ही हनुमान आए उन्होंने अपना शीश राम के चरणों में रख दिया। एक बात याद रखना, जैसे ही राम ने जैसे ही हनुमान ने शीश रखा, राम ने अपना आशीष उसके सिर पर धर दिया, ध्यान रखना। शीश झुकेगा आशीष जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। और शीश नहीं झुकेगा तो आशीष नहीं मिलेगा। राम और रावण में इतना ही अंतर था, रावण के पास 10 शीश थे लेकिन एक भी शीश किसी के आशीष के काबिल ना हुआ, और राम के पास एक शीश था वह वशिष्ठ के आशीष के काबिल हो जाया करता है, सारी दुनिया में शीर्षस्थ हो जाया करता है। अपने शीश को शीश रहने दो, इसे काशी फल मत बनाओ। क्या बोलते हो तुम लोग भोपला, है ना, थोड़ी थोड़ी आ रही है मराठी, हड़ू हड़ू आ रही है, आ रही है। ए बेसा मत बनाओ कि किसी के आशीष के काबिल ना रहे, अपने शीश पर गुरु का आशीष जरूर रखवाइए। अभागे हैं वो लोग जिनके शीश पर गुरुओं का आशीर्वाद नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। प्रातः काल उठई रघुराई, मात पिता गुरु शीश नवाई, ध्यान। सुबह से उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाया करो, ध्यान रखिए। हाँ झुकाएंगे जब माता पिता तस्वीर में लटक जाएंगे, जीते जी तो नहीं झुकाएंगे, ध्यान रखना है। तस्वीरों पर मुर्दों पर शीश झुकाते हो, अरे प्रातः काल उठकर माँ बाप के चरण छू लिया कर दो। मैं कहता हूँ संत हमेशा ना रहेंगे, मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूँगा, माँ बाप लंबे समय तक साथ रहेंगे। यदि माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया तो संत की दुआओं से कम दुआएं उनकी नहीं हुआ करती हैं। एक माँ बाप होते हैं जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ। माँ बाप फ्री में दुआएं दिया करते हैं, रोज चुलिया करो बहुओ, थोड़ी सास के चरण छू लिया करो, देवी के पैर तो छू लिया करो, घुटने छूना छोड़ो, जो आता है वो घुटना छूता है आकर के, ध्यान रखना। थोड़े से चरण छू लो, वो कुछ ना कर सको तो सास की चरण धूल सास को ही लगा दो, कुछ तो करो अपनी जिंदगी में, आशीर्वाद तुमको अवश्य प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त करिए। सुबह से हनुमान आए, उन्होंने अपना शीश झुका दिया, राम ने अपना आशीष रख दिया। हनुमान यशस्वी भव, ध्यान रखना। जो मुफ्त में मिलता है ना वो बहुत महंगा होता है, हवा मुफ्त में मिलती है लेकिन अंत समय पता पड़ता है कितनी महंगी होती है, जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, ध्यान रखना। पानी मुफ्त में मिलता है लेकिन जब सूखा पड़ता है तब एक बूंद की कीमत पता पड़ा करती है। वनस्पति मुफ्त में बनती है, जब आकाश से अतिवृष्टि हो जाए तब सोचना कि अनाज कहाँ से मिला करता है। जो फ्री में मिलता है वो बहुत महंगा होता है, ध्यान रखिए। मान्य झुकने की देर है, देने वाले की तरफ से कोई देर नहीं है, लेने वाला देरी से ले रहा है, देरी से झुक रहा है, विलंब हमारी तरफ से है, देने वाला तो हमेशा हमें देने को तैयार बैठा है, ध्यान रखना। हम ही नहीं ले पाते हैं, छोटे बनो छोटे बनो। हनुमान ने अपने को छोटा बना लिया श्री राम के सामने, ध्यान रखना। प्रभु की कृपा मिली, अनुकंपा मिली, बिरलों को मिलती है प्रभु की कृपा, सबको प्राप्त नहीं हुआ करती है। गुरुओं का आशीष कोई किस्मत वाला ही प्राप्त किया करता है। और मैं पुलक सागर कहता हूँ, अभागा वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती, और अभागा वो नहीं होता जिस पर बुजुर्गों की साया नहीं होता। अरे अभागा तो वो होता है जिसके सिर पर भगवान की छत्र छाया नहीं हुआ करती है, वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागा होता है। प्रभु की छाया होना चाहिए हमारे ऊपर। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा, ध्यान रखिए।
पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहे हैं। मन जुबान पर प्रभु का नाम हो और दिल में प्रभु की चाहत हो और सिर पर प्रभु का आशीर्वाद हो, जिंदगी हमारी सार्थक सफल हो जाएगी। हनुमान झुक गए श्री राम के चरणों में। राम ने कहा कि हनुमान मेरी बात सुनो। हनुमान ने कहा आदेश करो भगवान, जो कहेंगे हनुमान करने को तैयार है। राम ने कहा हनुमान आज मैं तुम्हें आदेश नहीं कर रहा हूँ, आज मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आज मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा रहा हूँ। हनुमान मैं चाहता हूँ कि जिस जिसने मुझ पर उपकार किए हैं उनको मैंने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, और तुमने तो मुझ पर अनंत उपकार किए हैं, मेरा मन हो रहा है कि आज मैं तुम्हें कुछ दे दूँ। ध्यान रखना कभी जिंदगी में गलती मत करना, भगवान से महापुरुषों से कभी मत मांगना। अरे ऐसा जीवन बनाना भगवान खुद कहें कि बोल तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ भी अपेक्षाएं मत रखो, इतना प्रेम समर्पण और सम्मान रखो बड़े बुजुर्ग खुद तुम्हें देने को तैयार हो। ध्यान रखना खुद ही को कद बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। लेकिन तुम तो मांग बैठते हो दो मिनट में, थोड़ा सा प्यार से बोल लिया हाँ ये दे दो वो दे दो, भिखारी जैसी जिंदगी क्यों जीते हो। हनुमान ने कभी अपनी जिंदगी में राम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक दिन श्री राम को लगा कुछ तो इसे देना चाहिए। हनुमान ने कहा भगवान क्या जरूरत मुझे, मैं बैरागी, मैं संसार में रहता नहीं, संसार में उलझता नहीं, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ है ना तो मुझे किस चीज की जरूरत। राम ने कहा कि वो बात तो अलग है लेकिन हम क्षत्रिय लोग हैं, हमें बिना दिए चैन नहीं आता है। ध्यान रखना मान्यवर सोचना है, क्षत्रिय का दिल है तुम्हारा या बनिया का दिल है या शूद्र का दिल है, अपने आप में सोचना। पर्युषण परवारा है ना, जो क्षत्रिय होंगे उन्हें दिए बिना चैन नहीं आया करता है, लुटाए बिना चैन नहीं आया करता। ये लुटाने का पर्व है, ये देने का पर्व है। राम ने कहा कि मुझे मालूम है हनुमान तुम विरक्त हो, तुम सन्यासी हो, तुम संसार में नहीं फंसते हो, लेकिन फिर भी हमारा मन हो रहा है कि हम तुम्हें कुछ दे दें। राम हनुमान ने कहा नहीं भगवान कुछ भी नहीं चाहिए। बोले तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। हनुमान की आंखें भर आईं। ध्यान रखना गुरु को तो हर कोई कहता है शिष्य की आपके उपकार हैं, अरे वो क्षण जिंदगी में कब आएंगे जब गुरु कहें कि ये शिष्य तेरे मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार हैं।